कौनसी मूवी देख के आ रहे हो? डॉक्टर जी। कैसी लगी मूवी? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही कॉमेडी पंचेस है और बहुत ही फनी है, और ये एडल्ट्स के लिए है तो सिर्फ एडल्ट्स ही देखें क्योंकि डायलॉग्स वगैरह काफ़ी चीज़ी है, बट अच्छी है, मतलब बहुत थॉट प्रोवोकिंग है और बहुत ही बहुत कुछ सीखने लायक है। आयुष्मान का करेक्टर किस तरह का लगा? आयुष्मान खुराना जी ने एक बार फिर से धमाका मचा दिया। वो अलग अलग तरह की बहुत ही अनकन्वेंशनल हीरो हैं, चाहे वो विकी डोनर हो या शुभमंगल सावधान, शुभमंगल ज़्यादा सावधान, या फिर बधाई हो बधाई दो, हर तरह की यू नो डिफरेंट तरह की मूवीज़ करते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज़ करते हैं, तो ही इज़ ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप्स। और उनका रोल एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही कन्विंसिंग था। और किसका काम अच्छा लगा आपको? रकुलप्रीत सिंह का काम बहुत अच्छा है, शेफ अली शाह जो कैरेक्टर एक्ट्रेस है उनका काम बहुत अच्छा लगा, और शीबा चड्डा जी का भी कैरेक्टर रोल था उनका भी रोल बहुत अच्छा लगा। बाकी डायलॉग सुमित सक्सेना के बहुत अच्छे लगे मुझे, डायरेक्शन डायरेक्टोरियल डेबिट है अनुभूति कश्यप जी की, तो वो भी डायरेक्शन भी अच्छा है, और सबसे बेस्ट पार्ट एक एडिटिंग, जो प्रेरणा सेगर इसके एडिटर उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि 2 घंटे कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया मूवी को, बिल्कुल क्रिस्प एडिटिंग है, और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है शीतल नारायण की, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, यू कैन एंजॉय द मूवी। एक्शन कैसा रहा? हाँ सॉरी, एक्शन नहीं है मूवी में। डायरेक्शन अच्छा है। क्लाइमैक्स भी अच्छा है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ सीखने लायक है, 2 ही घंटे की मूवी है तो आप बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं, बट इट्स ओनली फॉर एडल्ट्स। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना? मैं दूंगा 3.5। थैंक यू। मूवी देख क्या रहे हो आप? डॉक्टर जी। कैसी लगी मूवी? अच्छा है, सब्जेक्ट एकदम यूनिक है। आयुष्मान का और आयुष्मान का एक्टिंग कैसा लगा? मतलब आयुष्मान हमेशा अच्छा काम करता है, उसमें इसमें भी अच्छा काम किया हुआ है, कॉमेडी अच्छी है। और कौन से एक्टर की काम अच्छा लगा आपको? एक चड्डी जो उसका साथ में हमेशा रहता है, उसका दोस्त बनता है, अच्छा काम भी अच्छा है। और रकुलप्रीत सिंह का? दोनों की केमिस्ट्री जमी है। पैसा वसूल है मूवी? हाँ पैसा वसूल है, 1 time वॉच है। डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन अच्छा है, एक है सब्जेक्ट एडल्ट है, इसके लिए फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देख सकते। क्लाइमैक्स अच्छा है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 4। डॉक्टर कैसी लगी मूवी? अच्छी थी। आयुष्मान कैसा लगा? करेक्टर क्या था उनका? उसका डॉक्टर का करेक्टर था। कैसा लगा उनका? अच्छा लगा। और लगा रकुलप्रीत सिंह का? और कौन से आर्टिस्ट का आपको अच्छा लगा? उसे तो हम जो ज़्यादा मूवी देखने ही आते हैं, हर महीने जो अच्छा लग गया चले आते हैं। अभी इसके पीछे कुछ कौन सा मूवी देखे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो ट्वीट ठीक नहीं लगा, लेकिन ये मूवी मुझे अच्छी। मूवी में सॉन्ग कैसे थे? सॉन्ग भी ठीक था। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 5। थैंक यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? हम लोग डॉक्टर जी मूवी, आयुष्मान खुराना की मूवी देख के आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मूवी की है, रोल मिला है डॉक्टर का उनको। फायदे भी उनको तो आर्ट होगी, डॉक्टर बनने थे, बट उनको सीट नहीं मिलने की वजह से उनको गायनेकोलॉजिस्ट बनना पड़ा। पहले तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं था ये करने का, बहुत सही टाइप दिखाया है उसमें, बट बाद में वो बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को किया, बहुत ही अच्छा प्ले किया रोल को। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी, आप सब भी आओ मूवी देखो, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। डॉक्टर हमारे लाइफ सेविंग के लिए कितना कुछ करते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते। कुछ भी होता है तो हम लोग डॉक्टर पर ब्लेम कर देते हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, अंत तक कोशिश करते रहते हैं कि हमारे लाइफ को कुछ सेव कर सके। तो आप सब भी जाओ मूवी देखो, 18+ है, एडल्ट मूवी है, बट आप फैमिली के साथ देख सकते हो, अगर 18+ हो तो आप देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। इससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलती है। रकुलप्रीत सिंह और आयुष्मान का जम रहा है? यस बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर। मैं आयुष्मान को 5 star देना चाहूँगी, मूवी को ऑल ओवर 5 star, क्योंकि बहुत अच्छी लगी। आयुष्मान सॉन्ग भी अच्छे थे, सॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं थे, दो ही थे, बट अच्छे हैं। आयुष्मान की सारी मूवी मेरे फेवरेट है, वो मैं उनकी सारी मूवी देखती हूँ। वैसे तो मैं सारी मूवी देखने आती हूँ, लेकिन ये मूवी ज़्यादा अच्छी है। मूवी में कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा सीन जो आपके दिल को छू लिया, आपको पसंद आया? इमोशनल भी था उसमें, और लास्ट में इमोशनल भी दिखाया है थोड़ा, उनके मम्मा की लाइफ के बारे में दिखाया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको भी हमारे तो लाइफ जीने का हक होता है। सिंगल पेरेंट्स होने पर भी उनको ऐसा लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, जैसे आज की जनरेशन में बच्चे करते हैं, उनका भी लगता है कि हमें भी वैसे करना चाहिए, हमारी लाइफ भी वैसी होनी चाहिए, फैमिली हो साथ में रहे, ये सब दिखाया। तो आप लोग बाकी देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 5 star। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी आज के हिसाब से, बहुत अच्छा। थैंक यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो आप? अभी तो ये डॉक्टर जी देख के आ रहे हैं। कैसी लगी मूवी?
मूवी बहुत अच्छी है। आयुष्मान जी का कैरेक्टर कैसा लगा? आयुष्मान खुराना जी का तो एक्टिंग बहुत अच्छा हमेशा से करते हैं और वो तो मेरे फेवरेट हीरो है और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और अकुल प्रीत का? हाँ, उनका भी अच्छा था। और कौन और किसका काम अच्छा लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा आयुष्मान खुराना का लगता है, उनके मैं सारे इस मूवीज देखता हूँ और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और इस मूवी से एक सोशल मैसेज आता है, लाइक अपने को जो रिलेशनशिप में आते हैं एंड बिफोर एज बहुत जो भी करते हैं बट वो सब ऐसा नहीं करना चाहिए और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब इसमें दिखाया गया और एंड इससे एक सोशल मैसेज जाएगा तो बहुत अच्छा हुआ है इसमें किया गया है। क्लाइमेक्स कैसे था मूवी? क्लाइमेक्स भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे मूवी बहुत अच्छा लगा और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए और 2 आवर आपके वेस्ट, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा। और डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन भी अच्छा था, मुझे बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होगा, बहुत अच्छा लगा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 5 of 5 दूंगा मैं। और आयुष्मान को? उनको तो हमेशा से फुल रेटिंग है, 5 of 5 है। थैंक यू। मैम कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं अभी? डॉक्टर, अभी ये डॉक्टर जी देख के आ रही है। कैसी लगी मूवी? बहुत मस्त है, फनी है, बहुत अच्छी। आयुष्मान का? अरे वो तो हर टाइम पे उसका मूवी देखेगा तो रिफ्रेश हो जाता है इंसान। और डायरेक्शन कैसा था मूवी? बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी नेक्स्ट का वेट कर रही हूँ मैं। क्लाइमेक्स कैसा था मूवी? टू गुड। और सॉन्ग कैसा था? बहुत अच्छा, ब्रिलियंट मूवी है, बहुत अच्छा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5? हाँ जी, अरे मेरे यहाँ से तो 100 out of 100 है। बहुत फनी मूवी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मूवी बहुत फनी है। चलो थैंक यू। लगा रोलिंग। कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? डॉक्टर जी। कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी है एक्चुअली। आयुष्मान खुराना मेरे फेवरेट एक्टर में से एक है तो एक्चुअली मैं हमेशा इन्हें देखता हूँ, वो हमेशा इंस्पायरिंग मूवी बनाते हैं हमेशा, तो देखना हमेशा इन्हें देखना है बेहतर होता है। रकुल प्रीत जी भी हैं तो उनका एक्टिंग कैसा लगा आपको? वो भी बेहतर, उन्होंने भी काफ़ी, वो तो हमेशा से ही बेहतर करती है, देखा है हमेशा ही देखता है, बट हमेशा आयुष्मान खुराना मेरे फेवरेट में से है, हमेशा ही देखता हूँ। मूवी का डायरेक्शन कैसा था? वो भी काफ़ी बेहतर था। सॉन्ग कैसे लगे मूवी? अच्छे थे, देखा था। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? थैंक यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? डॉक्टर जी। अभी कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी। आयुष्मान जी का कैरेक्टर्स कैसा लगा? बहुत बहुत ही बढ़िया लगा और उनकी जो एक्टिंग के फैन है ही सब, कोई शब्द ही नहीं। और किसका काम अच्छा लगा मूवी के अंदर? सबसे ज़्यादा तो आयुष्मान सर का, पर सभी ने बहुत ही अच्छे से मेहनत कर, सबका एक्टिंग 5 out of more than 5 stars था। रकुल प्रीत जी भी है, उनका एक्टिंग कैसा लगा? उनका भी बहुत सही था, ऐसा हम रिलेट कर पा रहे थे कि हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड, बहुत अच्छी। सॉन्ग कैसे लगे मूवी के? सॉन्ग्स देखिए, ये एक सोसाइटी फ्रेंडली मूवी है तो इतने सॉन्ग्स नहीं थे, पर जो भी थे बहुत अच्छे मूवी के हिसाब से, ऐसा नहीं लगा कि मूवी कहीं और चल रही है और वो कहीं और सॉन्ग जा रहे हैं। अरे बर्थडे हो गया, डायरेक्शन कैसा था मूवी? डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। और आउट ऑफ 5 कितना? थैंक यू। 5 out of 5। अरे बर्थडे बॉय भला मत कर, चले 30 100। थैंक यू। बोल रोलिंग सही लग रहा है। कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? मैं डॉक्टर जी। कैसी लग रहा मूवी? मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एज़ यूजुअल आयुष्मान खुराना से जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होती है हमेशा, और टिपिकल हिंदी मूवी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, जो भी डॉक्टर्स को लेके हमारा परसेप्शन रहता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है, और ये जो जितने भी रूरल एरियाज़ है उसमें ये सब हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर को, एक मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट को फिजिकली टच नहीं करता, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा। रकुल प्रीत जी भी हैं, उनका एक्टिंग कैसा लगा? एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है। और किसका काम अच्छा लगा मूवी के अंदर? शिफाली शिफाली शाह। सॉन्ग कैसे लगे मूवी के अंदर? गाने भी अच्छे हैं। डायरेक्शन कैसा था मूवी? हाँ, अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है डायरेक्शन का, पर मुझे मूवी अच्छा लगा, मेरे लिए वही बहुत। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 6। थैंक यू।
कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। हाँ एंड जो भी बॉलीवुड को बॉयकॉट करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पैसे दूंगा, आप आके मूवी देखो एंड फिर बताना बॉयकॉट करना है कि नहीं। आयुष्मान जी का कैरेक्टर कैसा लगा आपको? अच्छा था, अच्छा। रघुप्रीत जी का कैरेक्टर कैसा लगा? ओके ओके था, इतना भी सही नहीं था बट ओके ओके। सॉन्ग कैसे लगे मूवी? एवरेज। डायरेक्शन कैसा था मूवी का? अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था, अच्छा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 3 मूवी को। हाँ। और आयुष्मान को? 5। थैंक यू सर। झूठ तब पकड़ा जाता है मतलब जिससे पीछे दे देखो। रोलिंग। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो आप? डॉक्टर जी। कैसी लगी मूवी? सबसे पहले डॉक्टर जी के बारे में बताना चाहूँगा, तो डॉक्टर जी काफ़ी बढ़िया पिक्चर बनाई है। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, जो हम मेडिकल फील्ड के बारे में बोलते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया, एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि हम जब चेकअप कराने जाते हैं या फिर हम डायग्नोसिस सारी चीज़ें कराने जाते हैं, तो हमने डॉक्टर जी मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जेंडर के बारे में नहीं बात करना चाहिए, पर उनके पेशा के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनका जो काम करने का तरीका, उनके बारे में बात करना चाहिए। हम हमेशा उनको जेंडर के हिसाब से उनको तोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो डॉक्टर होता है, उसको सारी उसके पेशे के बारे में पता है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है, और हमेशा आयुष्मान खुराना जिसको हम क्रिएटर किंग बोलते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते, सोशल मैसेज पे बातें करते रहते, तो इस मूवी में भी उन्होंने सोशल मैसेज पे बात की है। मूवी में रकुल प्रीत जी भी है, आयुष्मान जी भी है, दोनों का केमिस्ट्री कैसा लग रहा है? दोनों का केमिस्ट्री काफ़ी खूबसूरत है, बट एंड में उनकी जो मतलब ये बोलते हैं ये नहीं हो पाता। एक्चुअली वो लोग लास्ट में फातिमा किसी और से इंगेजमेंट शादी वगैरह कर लेती है और आयुष्मान बेचारे अकेले हो जाते हैं, तो ये सारी पिक्चर दिखाई है, तो दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी खूबसूरत पर्दे में निभर के आई है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और किसका काम अच्छा लगा मूवी में? मूवी में मुझे आयुष्मान खुराना एंड सबसे पहले एंड दूसरी बात शेफाली शाह, उनका काम मुझे पूरा मूवी में अच्छा लगा। आई थॉट कि जो मतलब शेफाली शाह है ना, वो एक पिक्चर की हाईलाइट है, मतलब हम अगर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखते हैं और अचानक से अगर उसमें हम कलर वाला मोड डाल देते हैं, तो जो कलरिंग मोड होता है वो मुझे लगा वो शेफाली शाह, सो शी वाज़ द हाईलाइटेड इन द होल मूवी। सॉन्ग कैसे थे मूवी के? इसमें एक लास्ट में एंड क्रेडिट में गाना है कि मेरा दिल धक धक करता है, ऐसा कुछ गाना है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डायरेक्शन कैसा था मूवी का? डायरेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया था, दिनेश क्या उनके डायरेक्टर साहब का नाम मुझे ढंग से याद नहीं है, डायरेक्शन का उन्होंने काफ़ी सारी इसके पहले भी पिक्चरें बनाई है, तो यही उनका मतलब सब्जेक्ट में एक ऐड किया कि सोशल मैसेज पे, तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने डायरेक्शन वगैरह किए। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आयुष्मान को? आयुष्मान को तो कोई स्टार नहीं, बिकॉज शी वो खुद सॉरी शी नहीं ही वो खुद एक स्टार है, और वो हमेशा अपनी स्टार का एक चमक दिखाने का काम होता है, वो हमेशा अपना चमक हर मूवी में दिखाते रहता है। मूवी को कितना स्टार देना चाहोगे? मूवी को 3.5 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।